नमस्कार, डॉक्टर श्याम दत्त दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, उत्तर प्रदेश, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय प्रयागराज। मेरे प्यारे शिक्षार्थी बंधुओं, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन उत्तर प्रदेश का इकलौता मुक्त विश्वविद्यालय है, जहां पे शिक्षार्थी अपने घर पर रह करके व्यवसाय करते हुए, नौकरी करते हुए शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। हमारे विश्वविद्यालय ने आप तक सभी प्रकार के विषयों की शिक्षा पहुंच सके, इस प्रकार की योजनाएं बनाए हैं। मैं भूगोल के विद्यार्थियों के लिए आज भारत का भूगोल, जो UGGO और MAGO PGGO दोनों के लिए अनिवार्य है, मैं भारत का भूगोल आज बच्चों को, माने आप सभी शिक्षार्थियों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत के भूगोल में कुल मिला के भारत का परिचय, भारत के परिचय के साथ स्थिति एवं विस्तार, भारत की भूगर्भिक रचना, भारत की भू आकार की भौतिक आकृति, अपवाह एवं जल संसाधन, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, मिट्टी, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, भारत की जनसंख्या, भारत के प्राकृतिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेश, इस प्रकार से कुल मिलाकर के भारत का एक बृहद अध्ययन करना है। आज भारत का जो भूगोल के केवल प्रस्तावना, अर्थात केवल भारत का मैं परिचय बताऊंगा। भारत के परिचय में भारत का नामकरण, भारत का नामकरण पौराणिक दृष्टि से मनुस्मृति के द्वारा पता चला है कि ऋषि के पुत्र भरत के नाम पे भारत का नामकरण किया गया। वायु पुराण के अनुसार राजा दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर भारत का नामकरण किया गया है। रोमवासियों ने कहा, सिंधु नदी को इंडस उन्होंने कहा था रोमवासियों ने, तो इंडस को इन्होंने, सिंधु को इंडस, इंडस नदी के नाम पर इन्होंने इंडिया कहा और सिंधु के नाम पे उन्होंने हिंदू कहा। और सिंधु नदी के दक्षिण दिशा में रहने वाले लोगों को उन्होंने हिंदू कहा और उस स्थान को जहाँ पे हिंदू रहते हैं उसको हिंदुस्तान कहा। भारत के नामकरण का अपना पौराणिक, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है। हम सभी लोग भारत को जन्मभूमि, जननी कहते हैं। उसके बाद स्थिति एवं विस्तार। भूगोल का एक विशेष महत्व है कि भारत की स्थिति और विस्तार आप जानते रहें। भारत जब आप ग्लोब पे देखते हैं भारत को, तो भारत का जो विस्तार है उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, जो भारत का परिचय है वह 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 37 डिग्री 6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक भारत का विस्तार पाया जाता है। भारत का जो आकार है वह चतुष्कोणी है, अर्थात अगर आप भारत को देखेंगे तो यह चतुष्कोणी बनाता हुआ
एक चित्र दिखाई पड़ता है जिसका उत्तर दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत के उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर है, तथा पूरब से लेकर पश्चिम तक, पूरब से लेकर जो पश्चिम तक लंबाई है 2933 किलोमीटर है। अर्थात भारत का जो आकार है वह चतुष्कोणी है। भारत की जो सीमाएं हैं, भारत की सीमाएं इस प्रकार से हैं, भारत 7 देशों से स्थली सीमाओं से घिरा हुआ है। एशिया महाद्वीप में भारत का बहुत महत्व है। भारत 7 देशों के स्थली सीमाओं से घिरा हुआ है। यहां से आप देखेंगे तो पाकिस्तान, पश्चिम दिशा में से देखेंगे तो इधर पाकिस्तान है, ऊपर जाएंगे उत्तर दिशा में तो अफगानिस्तान है। पाकिस्तान की जो रेखा है वो रेड क्लिफ रेखा है, अफगानिस्तान की डूरंड रेखा है, तथा जो चाइना की रेखा है वह मैकमोहन रेखा है। उसके बाद आएंगे यहाँ नेपाल है पूर्व दिशा में, पूर्व उत्तर में भूटान है, बांग्लादेश है, तथा म्यांमार है। इस प्रकार से 7 देशों से भारत की सीमाएं घिरी हुई हैं। भारत का जो स्थली सीमा की लंबाई है वह है 15,200 वर्ग किलोमीटर। 15,200 वर्ग किलोमीटर भारत की स्थली सीमा की लंबाई है। भारत के जली सीमा की लंबाई जो गुजरात के कच्छ से लेकर के और इधर कलकत्ता तक, पश्चिम बंगाल तक जो आप देखेंगे तो इसकी लंबाई 6,100 किलोमीटर है। ये इसकी जली सीमा है। भारत की जली सीमा की लंबाई 6,100 किलोमीटर है। लेकिन इसी में अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप की लंबाई जोड़ देंगे तो 7,500 वर्ग किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाती है। 7,516 वर्ग किलोमीटर लंबाई हो जाती है। भारत एक विविधता वाला देश है। भारत एक विविधता वाला देश है जिसमें भारत की स्थिति सामरिक दृष्टि से हिंद महासागर में महत्व, भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है जिससे भारत की सुरक्षा मजबूत होती है। भारत के उत्तर में हिमालय है जो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है, वह भारत की सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है, भारत की सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से भारत भौगोलिक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि से बहुत ही सुरक्षित देश है। अनेकता में एकता, भारत के भूगोल में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है, अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। क्योंकि भारत में संपूर्ण विश्व की जलवायु पाई जाती है, संपूर्ण विश्व का मौसम पाया जाता है। क्योंकि भारत में कहावत है कि 4 कोस पे पानी बदले 8 कोस पर वाणी, तो भारत में इतनी विविधता पाई जाती है कि 4 कोस पे पानी बदल जाता है और प्रत्येक 8 किलोमीटर पे वाणी अर्थात भाषा बदल जाती है। ऐसे देश में भौगोलिक दृष्टि से देखेंगे, पर्यावरणीय दृष्टि से देखेंगे तो बहुत विविधता पाई जाती है, अर्थात सभी प्रकार के मौसम भारत में पाए जाते हैं। भारत में शीत ऋतु पाई जाती है, भारत में ग्रीष्म ऋतु पाई जाती है, भारत में वर्षा ऋतु पाई जाती है। उसके साथ ही साथ भारत में सबसे कम तापमान भी पाया जाता है, 0 डिग्री के नीचे भी पाया जाता है, और भारत में अधिकतम तापमान अर्थात 48 डिग्री भी पाया जाता है। भारत में रेगिस्तान भी पाया जाता है, भारत में पर्वत भी पाया जाता है, भारत में पठार भी पाया जाता है, भारत में मैदान भी पाया जाता है। भारत में सभी प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं।
सदाबहार वन पाए जाते हैं, कटीले वन पाए जाते हैं, भारत में कोणधारी वन भी पाए जाते हैं। भारत में वर्षा ऋतु में जुलाई से सितंबर तक होती है, जो ग्रीष्मकालीन वर्षा होती है, तो भारत में शीतकालीन वर्षा तमिलनाडु में होती है। इस प्रकार भारत में भौगोलिक विविधता है, पर्यावरणीय विविधता है, लेकिन फिर भी भारत एक है। भारत के दक्षिण में 8 डिग्री 4 मिनट पे भूमध्य रेखी जलवायु पाई जाती है, मध्य में शीतोष्ण जलवायु है, और एकदम उत्तर में हिमालय के पास शीतकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार के लोगों का पहनावा है, रहन सहन है, बोली है, भाषा है, शिक्षा है, रोजगार है। तो संपूर्ण विश्व की जो जलवायु है वो भारत में पाई जाती है, संपूर्ण विश्व की जो जनसंख्या है वो भारत में पाई जाती है, जनसंख्या का जो रहन सहन है, पहनावा है, वो भारत में पाई जाती है। आज के डेट में, आज की तारीख में, माने 17 मई 2023 को भारत विश्व का सर्वोत्तम, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन चुका है। अर्थात अब चीन जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है। पहले चीन जनसंख्या में नंबर एक था, भारत दूसरे स्थान पे था। आज भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में नंबर एक पर है और चीन दूसरे नंबर पे है। जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे भारत का स्थान 7वें नंबर पर है। विश्व का मात्र 2.4% क्षेत्रफल भारत में पाया जाता है, लेकिन विविधता की दृष्टि से भारत एक है। इसमें आप विभिन्न प्रकार के वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न तैयार कर सकते हैं, जैसे भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो आप 3214 वर्ग किलोमीटर ही लिखेंगे। भारत का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार भी आप लिख लेंगे, भारत का क्षेत्रफल लिख लेंगे, भारत का स्थलीय क्षेत्रफल अलग है, जलीय क्षेत्रफल अलग है। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आप तैयार कर सकते हैं।